चलिए अब CV2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम थर्ड टाइप की रेडॉक्स रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ऐसी रिएक्शंस जिनमें किसी कंपाउंड में प्रेजेंट आयन या फिर एटम किसी दूसरे एलिमेंट के आयन या फिर एटम से रिप्लेस हो जाए, उस टाइप की रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम एक्स की रिएक्शन किसी YZ कंपाउंड से कराते हैं जहां एक्स किसी दूसरे एलिमेंट का कोई आयन या फिर एटम है, और जब हम इनकी रिएक्शंस कराते हैं तो होता क्या है, अगर एक्स वाई को रिप्लेस कर देता है और वाई की जगह खुद ले लेता है और XZ कंपाउंड फॉर्म कर देता है, तो इस टाइप की रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलेंगे, क्योंकि एक्स ने यहां वाई को उसकी जगह से रिप्लेस कर दिया है और उसकी जगह खुद ने ले ली है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस दो तरह की होती हैं। पहली तरह की रिएक्शंस हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, दूसरी तरह की रिएक्शंस हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो देखते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि हम नाम से ही आइडिया लगा सकते हैं कि इन रिएक्शंस में किसी कंपाउंड में कोई मेटल अगर प्रेजेंट है तो वह मेटल किसी दूसरे अनकंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट मेटल से रिप्लेस हो जाएगा। इस तरह की रिएक्शंस का एप्लीकेशन जब हम मेटल्स का प्योरिफिकेशन प्रोसेस करते हैं उनमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक मेटल से कराते हैं तो हमें कॉपर मेटल और जिंक सल्फेट मिलता है। इस रिएक्शन में आप देखोगे कि जिंक मेटल ने कॉपर मेटल को उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर दिया है और उसकी जगह खुद ने ले ली है। अगर हम इस रिएक्शन के सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्जर्व करें तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 से 0 कन्वर्ट हुआ है, दैट मीन्स कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। और अगर हम जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब जिंक का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, इसीलिए यह एक रेडॉक्स रिएक्शन भी है। अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो इस रिएक्शन में क्रोमियम मेटल एल्यूमिनियम मेटल से रिप्लेस हुई है और हमें Al2O3 प्राप्त हुआ है। इस रिएक्शन में भी अगर हम सभी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर लिखें और उनको ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम ये देखेंगे कि क्रोमियम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +3 से 0 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब क्रोमियम यहाँ रिड्यूस हुआ है। उसी प्रकार एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +3 में कन्वर्ट हुआ है, मतलब एल्यूमिनियम का यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है या फिर एल्यूमिनियम यहाँ ऑक्सीडाइज हुआ है, इसीलिए यह भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का अच्छा एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर हमारे मन में एक सवाल आ सकता है कि पहली रिएक्शन में जिंक ने ही कॉपर को क्यों रिप्लेस कर दिया और दूसरी रिएक्शन में एल्यूमिनियम ने क्रोमियम को रिप्लेस क्यों कर दिया। इसका आंसर यह है कि कॉपर और जिंक में अगर हम कंपैरिजन करें तो जिंक ज्यादा एक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू कॉपर। उसी प्रकार से एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू क्रोमियम, और इसके लिए हमने सभी मेटल्स के लिए एक मेटल एक्टिविटी सीरीज बनाई है। इस सीरीज में अगर हम टॉप से बॉटम की ओर जाएं तो जो मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी घटती जाएगी, मतलब सबसे ऊपर वाला जो मेटल है पोटेशियम वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और जो सबसे नीचे वाला मेटल है प्लेटिनम वो सबसे कम रिएक्टिव मेटल है। अगर हम इस सीरीज को ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि जिंक कॉपर और सिल्वर में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो ये होगा कि जिंक सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन कॉपर एंड देन सिल्वर। तो अब देखते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं। इसमें हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट और एक बहुत ही रेयरली अकर होने वाली रिएक्शन दैट इज ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट शामिल होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम सोडियम धातु की रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है। इस रिएक्शन को अगर हम ध्यान से देखें तो सोडियम ने वाटर की हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है जिससे हमें हाइड्रोजन गैस मिली है, तथा यहां सोडियम का ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है, इसीलिए यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है। और आपने देखा भी होगा कि जब भी हम वाटर के अंदर सोडियम मेटल डालते हैं तो आग लग जाती है,
ऐसा हाइड्रोजन गैस के रिलीज के कारण होता है। अगली रिएक्शन में हम ये देखते हैं कि फ्लोरीन की रिएक्शन वाटर से कराने पर फ्लोरीन वाटर की ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है, जिससे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। इस रिएक्शन में भी अगर हम ध्यान से देखें तो फ्लोरीन का रिडक्शन और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हुआ है, इसीलिए यह भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। सभी एल्कलाई मेटल्स और कुछ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम कोल्ड वाटर में से उसकी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, जिसकी रिएक्शन आप देख सकते हो, और यह भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। कुछ लेस एक्टिव मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम और आयरन स्टीम के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देते हैं, जिससे हम हाइड्रोजन गैस प्राप्त कर पाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैग्नीशियम ने स्टीम के साथ रिएक्शन की और हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर दिया, उसी तरह से आयरन भी स्टीम के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देता है, और ये दोनों ही रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है। और इन रिएक्शंस का यूज हम हाइड्रोजन गैस के प्रोडक्शन में करते हैं। बहुत सी मेटल्स एसिड्स में से भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाती हैं। मतलब अगर हम उन मेटल्स की रिएक्शन एसिड्स से कराएं तो वो डाइहाइड्रोजन गैस और सॉल्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जिंक की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो हमें जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मिलती है। इसका मतलब जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर दिया है। इसी तरह से जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो मैग्नीशियम भी हमें मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देता है। मतलब यहाँ मैग्नीशियम ने भी एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। इन दोनों ही रिएक्शंस का यूज करके हम लेबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तथा आप देख भी सकते हो ये दोनों ही रिएक्शंस रेडॉक्स रिएक्शंस हैं। कैडमियम और टिन स्टीम के साथ तो रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब इनकी रिएक्शन हम एसिड से कराते हैं तो एसिड्स के साथ ये रिएक्ट करके हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देते हैं। मतलब जब हम कैडमियम की रिएक्शन स्टीम से कराई हमने तो यह रिएक्शन नहीं हो पाती है, और अगर हम इसी कैडमियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं तो रिएक्शन हो जाती है और कैडमियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। अब हम एक सीरीज देखते हैं जिसका नाम है हैलोजन एक्टिविटी सीरीज। इस सीरीज में हम हमारी जो हैलोजन्स होती हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में देखेंगे, मतलब एक तरह से उनकी रिएक्टिविटी के बारे में पता लगाएंगे कि हैलोजन्स में से कौन कितना रिएक्टिव होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हैलोजन्स की अगर हम ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें तो हैलोजन्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की होती है, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की होती है। दैट मीन्स फ्लोरीन सबसे ज्यादा एक्टिव हैलोजन होता है, और यह इतना एक्टिव होता है कि यह क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन्स को इनके सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देता है। लेकिन फ्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन्स को इनके एक्वस सॉल्यूशन में से रिप्लेस नहीं कर पाता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हमारा सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन हुआ तो फ्लोरीन वाटर के साथ रिएक्शन करके पहले वाटर की ऑक्सीजन को ही डिस्प्लेस कर देगा। इसीलिए फ्लोरीन क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन्स को इनके एक्वस सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, जब हम फ्लोरीन की रिएक्शन KCl के एक्वस सॉल्यूशन से कराते हैं तो यह रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि यहां हमने KCl का एक्वस सॉल्यूशन लिया है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन में वाटर भी प्रेजेंट है। तो होता क्या है, फ्लोरीन पहले वाटर से रिएक्शन करता है और वाटर की ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है, इसीलिए फ्लोरीन यहां क्लोराइड आयन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। और उसी प्रकार से जैसा कि हमने पहले देखा कि क्लोरीन ब्रोमाइड और आयोडाइड आयन्स को उनके एक्वस सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम क्लोरीन की रिएक्शन पोटेशियम ब्रोमाइड से कराते हैं तो हमें पोटेशियम क्लोराइड और ब्रोमीन प्राप्त होता है। तो यहां से हमने देखा कि क्लोरीन ने ब्रोमाइड आयन को उसके एक्वस सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर दिया।
और यह एक रेडॉक्स रिएक्शन है। इसी तरह से क्लोरीन की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तो हमें पोटेशियम क्लोराइड और आयोडीन मिलता है। इसका मतलब यहां भी क्लोरीन ने आयोडाइड आयन को उसके एक्वस सॉल्यूशन में से रिप्लेस कर दिया। और लास्ट में हम यह भी देख सकते हैं कि ब्रोमीन भी आयोडाइड आयन को इसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर पाता है। हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी होते हैं। इंडस्ट्रीज में जब भी हमें हैलाइड्स से हैलोजन्स प्राप्त करने होते हैं तो यह एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, जिसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और अब तक हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी हैं हैलोजन रिप्लेसमेंट की, उन सभी रिएक्शंस में हमने इसी प्रकार से हैलाइड आयन्स को रिप्लेस करके हैलोजन प्राप्त की है। तो इस तरह से इस प्रोसेस का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन काफी ज्यादा है। लेकिन फ्लोरीन को हम इस तरह से इस मेथड से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वह स्वयं बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इसीलिए फ्लोरीन को हम इलेक्ट्रोलाइटिकली ऑक्सीडाइज करते हैं, जो कि आप आगे की स्टेज में पढ़ोगे।